स्वागत है आपका कंप्यूटर सीखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे मोबाइल के कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को हम जीमेल अकाउंट पर कैसे इम्प्रूव करें। देखिए जनरली क्या होता है कि हमारे मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हम मोबाइल में जब कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो सेव करते समय हम कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए होते हैं कि हम उसको हमारे मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, हमारी सिम में सेव करना चाहते हैं या जीमेल अकाउंट में सेव करना चाहते हैं। ये जब आप सेव करते हैं उस समय भी ये ऑप्शन दिया गया होता है कि हम जीमेल अकाउंट पर डायरेक्टली भी सेव करें। इसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के नीचे दिया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। दूसरा जो तरीका है, अगर हमने सेव कर लिया है सिम में या फ़ोन में तो सारे एक साथ इम्पोर्ट करना हो तो वो कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसका रीज़न ये होता है कि हम अगर हमारे कॉन्टैक्ट फ़ोन में या सिम में सेव करते हैं तो किसी कारण अगर आपका मोबाइल खो गया है या मोबाइल टूट गया है या कुछ भी रीज़न हो गया है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट्स खो गए हैं, तो उन कॉन्टैक्ट्स को लेने के लिए आपको बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट्स आपको दोबारा नहीं मिलते, आपको दोबारा वो सेव करने होते हैं। अब कितने कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल में होंगे और उतने सारे कॉन्टैक्ट्स आप वापस उनको सेव नहीं कर सकते। इसके लिए हम जीमेल अकाउंट पर सेव करते हैं, जीमेल वहाँ भी लॉगिन करेंगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपके सेव करेंगे। तो वो कैसे करते हैं तो देखिए अभी हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं वो वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपके सारे अकाउंट्स जितने भी हैं अगर आप सारे एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपने फ़ोन में या सिम में सेव किए हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखिए आप अपने मोबाइल डिवाइस में कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएँ। ये हमने कॉन्टैक्ट ओपन किया, कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, इन 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो अलग अलग डिवाइस में आपको ये ऑप्शन अलग अलग जगह पे मिलेगा लेकिन होगा जरूर। क्लिक किया, आपको इसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले कॉन्टैक्ट को क्लिक करना है। ये इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, इसमें आपको इंपोर्ट फॉर स्टोरेज यानी अगर आपके फ़ोन डिवाइस में अगर मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, अगर सिम 1 में सेव हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, और अगर आप सिम 2 में हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। आपको कहाँ से इंपोर्ट करने हैं वो सिम आपको यहाँ से चूज़ करनी है। तो हमने यहाँ से जैसे सिम 1 में है तो हमने सिम 1 चूज़ किया, सिम 1 चूज़ किया तो अगर आपके इस मोबाइल में जीमेल अकाउंट आपने 2 या 3 या 4 ऐसी कोई चला रखी है तो आपको वो यहाँ पे वही अपना जो जीमेल अकाउंट चूज़ करना है कि कौन से जीमेल अकाउंट पे आपको अपनी ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं सारे वो डालने हैं, तो आपको वो चूज़ करना है। जैसे हमने ये फर्स्ट वाली कर ली। अब यहाँ पे देखिए यहाँ आपको ये कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपके फ़ोन डिवाइस में सेव हैं। अब देखिए अगर सारे भी हम करना चाहें तो सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट भी हो जाएंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट भी हो जाते हैं। 153 हैं तो अब ये सारे एक साथ इम्पोर्ट करेंगे तो देखिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, तो अगर आप सारे एक साथ करना चाहते हैं तो सारे एक साथ करके इंपोर्ट कर दीजिए, वो जितना टाइमिंग लेगा वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे आपके उस जीमेल अकाउंट में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्टेड नंबर हम लें तो इस सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिएगा, आप सेलेक्टेड ले लीजिएगा। इस तरह से आप सेलेक्ट में 2-4 नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ से हम इम्पोर्ट कर देंगे। ये जो इम्पोर्ट पे नीचे जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आप इम्पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपके जीमेल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए सिम 1 से। तो इस तरह से हम जीमेल अकाउंट पे अपना सारे कॉन्टैक्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। और वापस अगर आपको ये चेक करना है कि आपके जीमेल अकाउंट में वो सारे नंबर ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए तो आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कीजिए और उसको ओपन करके देख लीजिए। अब लॉगिन करने का जो तरीका है वो भी आप देख लीजिए। एक बार आप इसमें से बैक आ जाइए और अपने मोबाइल डिवाइस में आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। हमें ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है contactgoogle.com और इसको हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो ये मेल आईडी डालने के बाद आपको ये जीमेल आईडी, ये हमने वेबसाइट जो ओपन की है, इस वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जीमेल आईडी अगर मांगता है, अगर आपने 2-3 एक साथ अपने मोबाइल में कोई भी जीमेल आईडी चला रहे हैं तो उसकी आपको अगर कहीं पे पासवर्ड मांगे तो अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डाल के
आपको उसको ओपन करना है यानी साइन इन करना है, और यहाँ पे ये सारे आपके जो है वो कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं इस तरह से ये एक साथ भी कॉन्टेक्ट्स इम्पोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स को हम कैसे जीमेल अकाउंट पे इम्पोर्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि अगर हमें यहाँ से यानी जीमेल अकाउंट से हमें वापस एक्सपोर्ट करने हैं हमारे फ़ोन में या सिम कार्ड में तो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।